हेलो दोस्तों, मैं आपका पुष्य भैया, सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज की जो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है उसे हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक है साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन हमें बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन देखिए, पहले लिखा हुआ है साइन टू एक्स, तो हमें इंटीग्रेशन का पहले साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है और dx पीछे हमें लिखना होता है। ठीक है, अच्छा dx का मतलब ये है कि हम रेस्पेक्टेड टू x, देखिए करेंगे इस प्रकार। देखिए वो भी हम जब इंटीग्रेशन निकालेंगे उससे पहले हमें फॉर्मूला का याद होना बेहद जरूरी है। जब तक हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला याद होना बेहद जरूरी है। देखिए साइन टू एक्स, पहले आप इसे x मान लें, क्या मान लें? x, तो ये हो गया साइन x। अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस x। क्या होता है? माइनस के कॉस x, तो माइनस के कॉस x। बेटा अब ये x तो है नहीं है, जब x नहीं है तो उसका हम डिफरेंशियल करते हैं। अब डिफरेंशियल आ गए 2x है, 2x का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा? 2 होगा। लेकिन जब हम इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे, जो डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल उससे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? जो हम डिफरेंशियल निकालेंगे। अच्छा डिफरेंशियल किसका निकालेंगे? डिफरेंशियल हम उसका निकालेंगे जो हम मानते हैं। जैसे अभी हमने साइन, अभी यहाँ 2x है ना, लेकिन हमने माना क्या है? x, साइन x, लेकिन यहाँ क्या है? 2x, तो 2x है ना, तो 2x का हम डिफरेंशियल निकालेंगे। जब डिफरेंशियल निकालेंगे तो इंटीग्रेशन में उसी से हम डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार जैसे 2x है, अब 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? 2। 2x का जो डिफरेंशियल है वो क्या होगा? 2, तो हम 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। उसे क्या कर देंगे? डिवाइड। देखिए माइनस का 1/2, ये 2 आगे लिख दिया, cos 2x, और प्लस सी कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस सी, क्योंकि इसमें हम एक कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे। अब साइन टू एक्स था, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस के 1/2 cos 2x प्लस सी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा cos 3x। क्या बेटा? cos 3x, तो बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और dx। देखिए अब ये कौन सा बन रहा है? cos x वाला। क्या बन रहा है? cos x वाला। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन बेटा sin x होता है, sin x, तो ये हो जाएगा sin x, sin x हो गया। अब यहाँ x तो नहीं है, यहाँ पे यहाँ क्या है? 3x। क्या है? 3x, तो हमें ये 3x मान ही तो रहे हैं, x मान रहे हैं, 3x को हम क्या मान रहे हैं? x, तो हम 3x का डिफरेंशियल करेंगे, तो 3x का डिफरेंशियल क्या हुआ? 3। क्या हुआ? 3, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 3 से क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। तो सिमिलरली 1/3 और साइन 3x प्लस सी। ठीक है, सी जब आंसर होगा उस समय में तो सी जोड़ना ही होगा, तो क्योंकि एक कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है हमारा e की पावर 2x, उसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना बेटा? e की पावर 2x। देखिए अब हमें जैसे e की पावर x वाला फॉर्मूला लगाते हैं, e की पावर x वाला, ये जो 2x है ना इसे हम x मानते हैं, तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो e की पावर x ही होता है। भाई जो e की पावर x होता है उसका डिफरेंशियल और उसका इंटीग्रेशन वो सेम ही होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। तो e की पावर 2x है ना, तो इसकी e की पावर 2x ले देंगे। ठीक है, लेकिन ये हमने x माना। क्या माना बेटा? x, 2x को क्या माना? x। जब 2x को x माना है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे। भाई जिसको हम मानते हैं उसका हम डिफरेंशियल करते हैं, और जो डिफरेंशियल आता है उससे डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये 2x है ना, 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? 2 होगा ना, तो 2 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 e की पावर 2x प्लस सी, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। साथ के साथ आप नोट करते जाना। अगर वीडियो को लाइक न किया हो तो प्लीज लाइक कर देना, और कमेंट और शेयर जरूर कर देना अपने यार दोस्तों के पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है हमारा
क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर जो हमारा फोर है बेटा वो है हमारा ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और डी एक्स लिखाएंगे, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और हमने स्क्वायर लगा दिया, हमें अब इसका इंटीग्रेशन बताना है। बेटा देखो इसको मान लेते हैं हम x, इसको हम क्या मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं x, और ये पावर है, पावर है तो इसको हमने मान लिया n, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था इंटीग्रेशन x की पावर n, और x की पावर n का क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यही तो होता है भाई, x की पावर जो जो n होती है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको मान लिया x की पावर n प्लस 1, n n तो हमारी जो है भाई जो पावर है वही तो n होती है, और उसमें क्या करना है एक ऐड करना है, तो 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, यहां तक कर लिया बेटा, ये x तो है नहीं भाई, ये x है क्या, नहीं है, जो x नहीं होती है और x उसको हम मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल करते हैं, तो हम ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे बेटा, ए एक्स प्लस बी का क्या करेंगे हम डिफरेंशियल, तो अब ए एक्स का तो हो जाएगा ए प्लस और बी है और बी कॉन्स्टेंट है तो बी का डिफरेंशियल क्या होगा जीरो, और ए में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ए, तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशियल होगा वो ए होगा, ठीक है, जो मानते हैं उसको डिफरेंशियल करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में जो डिफरेंशियल आता है ना उसे क्या कर देते हैं डिवाइड, यहां पर डिवाइड कर देना, ठीक है, तो देखिए ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगी तीन हो जाएगा, ये भी ए और ये भी कितना हो जाएगा तीन, ए और दो एक तीन, ये जैसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 इस प्रकार लिख देंगे, और ए एक्स प्लस बी की पावर तीन और प्लस सी, सी क्या विशेष ध्यान रखना, सी का आप विशेष ध्यान रखना, ए एक्स प्लस बी था तो ए एक्स प्लस बी की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, ये x माना था इसको तो इसका अवकलन किया तो ये ए आ गया, जो डिफरेंस लिख दिया तो ए आ गया, ए से हमने डिवाइड कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में अगर आ रहा हो आपके तो लाइक और अवश्य लाइक और कमेंट अवश्य कर देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x माइनस 4, देखिए बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और dx, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और dx, देखिए दो हमारे पास इसमें टू टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं टू, ए फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट है तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस बीच में लगा हुआ है तो माइनस लगा देना, इसके बाद में सेकंड का भी इंटीग्रेशन कर देना, देखिए अब ये साइन 2x है तो साइन 2x का क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है, इसे मान लेना x तो साइन x का क्या हो गया cos x माइनस, भाई साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के cos x, तो साइन 2x है तो माइनस के cos 2x हो जाएगा, लेकिन ये हमने क्या मानी है x मानी है था 2x लेकिन क्या माना है x, तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे 2x का, लेकिन 2x का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा 2, क्या आता है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, जो डिफरेंशियल आता है उसका इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड, फिर डिवाइड कर दिया माइनस 4 सिमिलरली लिख दिया, 4 सिमिलरली लिख दिया, अब ये बन रहा है e की पावर x का, क्या बन रहा है e की पावर x का, तो इंटीग्रेशन करो e की पावर x का क्या हुआ, e की पावर x ही रहेगा क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन सेम होता है, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, लेकिन ये x तो है नहीं, यहाँ 3x है तो 3x का डिफरेंशियल करेंगे, जो मानते हैं उसका डिफरेंशियल कर देना, तो 3x का डिफरेंशियल क्या आएगा 3, और 3 से कर देंगे डिवाइड, क्या कर देंगे 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है, जो मानते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं और डिफरेंशियल करने के बाद उसका इंटीग्रेट उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो 3 आ रहा था डिफरेंशियल और 3 से डिवाइड कर दिया, देखिए इसे किस प्रकार लिख देंगे माइनस के 1/2 cos 2x माइनस के 1/3 e की पावर 3x, बेटा या तो यहीं तक आ रहा होगा आंसर या फिर माइनस कॉमन ले लेगा, माइनस के 1/2 cos 2x प्लस 4/3 e की पावर 3x और प्लस c,
ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो आप लाइक अवश्य कर देना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन आपके समझ में आना बेहद जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो सिक्स क्वेश्चन है, 4e3x+1 4 जो ब्रैकेट में है, 4e3x+1 इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और dx। ये जो आपका है सिक्स वाला क्वेश्चन, कौन सा है सिक्स क्वेश्चन, देखिए ये ब्रैकेट में है, ये किसमें है ब्रैकेट में है, तो दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ का मतलब दोनों में ही इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिएगा सेपरेटली, जैसे 4e3x dx अलग कर दिया प्लस 1 और इसका dx अलग कर दिया, वही हमारे पास टू टर्म्स थे तो टू टर्म्स थे तो हमने टर्म्स को डिवाइड करते हुए अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखिए 4 को तो इसी प्रकार लिख देंगे, 4e3x का भाई e^x का इंटीग्रेशन e^x होता है लेकिन ये x नहीं है तो 3x का जो डिफरेंशियल करेंगे वो आएगा 3 और डिफरेंशियल कर दिया तो 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है प्लस जो 1 है 1 का जो इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1 का जो इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा x, देखो इधर देखो जो 1 है 1 का जो इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन वो होता है x और जो 1 है उसका जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 0, क्या होता है 0, इसका ध्यान रखना क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको भूल जाते हैं। देखिए 4e3x+x और कॉन्स्टेंट जोड़ देना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो 7 वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेवन है x2। ये वाला क्वेश्चन और देख लें, यही है हाँ बेटा यही है x2 ब्रैकेट में 1 - x2। देखिए क्या करेंगे, पहले अभी शुरुआत से ही इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे x square का इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, तो x square का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x square आ जाएगा माइनस, अब इसी का कैसे करेंगे इससे, तो x square dx। अब बेटा ये जैसे x square एक बार कट जाएगा तो बचेगा क्या x square - 1 dx। अब इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, x square का dx अलग हो जाएगा और 1 का dx अलग हो जाएगा, बेटा ये x^n वाला बन गया, x^n वाला। अभी मैंने बताया था x^n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x^n का जो इंटीग्रेशन होता है x^n+1/n+1। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन खोलेंगे तो x^ कितना आ जाएगा 2+1/2+1 माइनस, और जो एक का इंटीग्रेशन वो होता है बेटा x, देखिए x^2+1 3 हो जाएगा बटे 2+1 3 माइनस x और c इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ नहीं था बेटा x² का हमने भीतर मल्टीप्लाई कर दिया था, x² 1 से करेंगे तो x² आ जाएगा, x² बटे x² इससे e² कट जाएगा, फिर क्या था x^n वाला था तो उसमें हमने 2 x^n का फॉर्मूला क्या होता है x^n+1 तो 2+1/2+1। बेटा देखो इन्हें आप साथ के साथ नोट करते जाना, नोट करने के बाद प्रैक्टिस अवश्य करना, प्रैक्टिस मैथ है ना, ये प्रैक्टिस बहुत फायदा है, बस कर करके देखना, जहां से नहीं आता है तो उसे आप देख लिया करना, लेकिन आपको रिवीजन जरूर करना है, प्रैक्टिस बेहद जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका बेटा वो है ax² + bx + c। अब ब्रैकेट में है, ब्रैकेट लगा दिया और dx कर दिया, ठीक है बेटा। जब ब्रैकेट होता है तो हम उसका सेपरेटली इंटीग्रेशन करते हैं अलग अलग, ठीक है ax² है ना, उसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे,
बी एक्स है ना उसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे और सी है ना उसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। देखिए ये ए है ना, ए बाहर कर देंगे, ए को बाहर लाते हैं, ये वाला है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना तो वही एक्स की पावर एन वाला है, बस कुछ नहीं होता बेटा, जो दो में एक एड ऊपर कर देंगे, दो में एक एड नीचे कर देंगे। तो देखिए मैं अब इसे सीधा कर देता हूँ, इंटू एक्स की पावर दो है तो ये हो जाएगा एक्स की पावर तीन बटे तीन। बी को बाहर ले आएंगे बेटा, ये बी को बाहर ले आएंगे तो एक्स की पावर क्या बचेगा, वन। एक्स की पावर क्या बचेगा, वन। जो पावर होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, जब इसको फॉर्मूला बोलते हैं, जब एक्स, अब ये एक्स है इसकी पावर हम एक मान सकते हैं ना, तो एक्स की पावर वन प्लस वन बटे वन प्लस वन, सही है ना। देखिए बी को बाहर ले आए तो एक्स बचा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर दो बटे दो, सही है ना। प्लस ये सी है, सी को हम बाहर ले आएंगे, सी को हम बाहर ले आएंगे तो बचेगा क्या, एक मतलब वन। और वन का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, जो वन का इंटीग्रेशन बेटा एक्स होता है, क्या होता है एक्स, तो सी को हम बाहर ले आएंगे तो यह आ जाएगा एक्स, ठीक है। देखिए वन अपॉन थ्री, थ्री नीचे आएगा, जो थ्री है वो बाहर ले आएगा नीचे, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब, और ये वन अपॉन टू बाहर ले आए, ये हो जाएगा हमारा बी एक्स स्क्वायर। बेटा सी एक्स इसे रखना, लेकिन इसमें आप कोई कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे, अब सी इसमें आ गया तो ये स्मॉल सी है तो इसे कैपिटल सी कर देंगे भाई, कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे ना, ये थोड़े सी वो था, यही सी आ जाएगा, तो या फिर सी बड़ा जोड़ देंगे या फिर इसमें डैश कर देंगे, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, ठीक। ये एट वाला क्वेश्चन है, अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो लाइक कमेंट अवश्य कर देना, लेकिन नोट जरूर कर देना, और नोट करने के बाद जब आपको टाइम मिले उस टाइम पर प्रैक्टिस अवश्य कर देना बेटा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो एक फेयर बना लेना, नोटबुक जो बोलते हैं नोटबुक बना लेना, बिल्कुल सिक्वेंस के साथ आपको इंटीग्रेशन पूरा कराया जाएगा। जो सेवन चैप्टर है आज मैंने स्टार्ट किया है 7.1, आपको बहुत ही सिक्वेंस के साथ लगातार सीरीज वाइज ही कराऊंगा, तो आप इसे नोट जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन हो गया आठ, क्वेश्चन कौन सा हो गया आप आठ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, ये बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। देखिए वो ही है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में तो इसको सेपरेटली अलग अलग करो पहले, तो आप तो टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स और डी एक्स, टू को बाहर ले आओ तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स और डी एक्स टू। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो मैंने पिछले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए, मैंने आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला के तहत भी आपको मैंने बताया था, अब मैं इसको सीधा करता हूँ, ठीक है। जैसे एक्स की पावर एन है, जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर लो आप, एक्स की पावर थ्री, और जो ऊपर पावर होता है वही नीचे पावर होता है, सही है ना। टू एक्स की पावर थ्री बटे थ्री प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। देखिए और दो तीन बाहर आ जाएंगे, दो की पावर दो बटे तीन एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, सही है ना बेटा। देखो टू अपॉन थ्री एक्स क्यूब, और जो ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स का तो जो इंटीग्रेशन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल दोनों एक ही बात है। एक ही बात का मतलब है कि अगर आप ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल निकालोगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालोगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन है बेटा, ये रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स ब्रैकेट में उसके पावर होल स्क्वायर, क्या बेटा होल स्क्वायर। तो पहले ऐसा करते हैं, जो a माइनस बी की होल स्क्वायर है उसे हम उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसे हम पहले खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। dx पीछे लिख देना, तो बेटा रूट एक्स देते रूट एक्स कट जाएगा,
देखिए अब ये रूट एक्स है और रूट का है स्क्वायर करते तो एक्स रह जाएगा प्लस, अब वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो वन का तो वन हो जाएगा और रूट एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, और माइनस में रूट एक्स कट जाएगा ये बचेगा टू। ठीक है बेटा ये डी एक्स, अब इसका क्या करेंगे सेपरेटली इंटीग्रेशन कर लो, एक्स डी एक्स वन अपॉन एक्स डी एक्स और टू डी एक्स। बेटा देखो x x है, अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 1 से, तो x की पावर 1 है तो इसमें एक जोड़ कर ऐड कर दो 2 बटे 2। ठीक है प्लस अब 1 अपॉन x जो बेटा मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी इंटीग्रेशन फॉर्मूला इन वन शॉट, आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में सभी जो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला है वो मैं लास्ट वीडियो में डाल चुका हूँ, अगर जिस बच्चे को फॉर्मूला ना याद हो तो लास्ट वीडियो देख सकता है। तो उसमें मैंने बताया था कि 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो होगा log x, क्या होगा log x माइनस 1 का समाकलन x, क्या होता है 1 का समाकलन x, तो 2 का जो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, तो और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c और ऐड कर देंगे, c और इसमें हम ऐड कर देंगे, ये आप 10% हो चुके हैं 7.1 के। आज भी इस वीडियो में मैं यही तक कराऊंगा बेटा, जो एक्सरसाइज 7.1 है 7.1 में आज 10% करा दिया, आप इसका नोट जरूर कर लेना, नोट करने के बाद इसकी प्रैक्टिस विद रिटन जरूर करना बेटा, जब तक विद रिटन नहीं करोगे ना जब तक कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन रिटन कर लेना और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में और ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है आज के लिए इतना ही, यहीं पर मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।